मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा धारा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। NVS हिंदी की TGT PGT की तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आदिकाल का पहला मॉक टेस्ट है ये, जिसमें बताया जाएगा आपको प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। पहला क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो इसका उत्तर आप बताएं, ग्रियर्सन, वोल्टेकर, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्टेकर महोदय ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वोल्टेकर महोदय ने। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त प्रति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परपते हुए साहित्य के परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यह किसका है? यह किसका है? शुक्ल की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया है, आप बताएं। तो इसका सबसे पहले प्रयास किया गया था गारसा दो तासी के द्वारा। इस्तवार दलाल लेतु एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा में। इस्तवार दलाल लेतु एंदुए हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? अब इसके लेखक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? गारसा दत्तासी। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इसलिए इतिहास लेखन का प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। किसकी हो जाएगी? T.S. इलियट महोदय की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास का किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इतिहास ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आप इसमें आठवें प्रश्न का उत्तर देख के बताएं चार रूप में। तो इसका सही हो जाएगा, इसमें काल विभाजन नहीं किया गया। 84 वैष्णवों का 200 वैष्णवों की वार्ता भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तीनों के अभाव के कारण, कालक्रम एवं संसम्मत, युगीन चेतना, पवित्र विश्लेषण, ये तीनों। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। गारसा दत्तासी के निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन था कथन असत्य है? इसमें आपको बताना है, आप आराम से पढ़ लीजिए। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा ग। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अब अगला है आपका, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें चार विकल्प है, चारों विकल्प में आप बताएं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किसे जाता है? तो इसका हो जाएगा
गारसा दत्तासी को। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, सन 1883 में। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है, क्या है, जातीय परंपराओं और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु में कितने कवियों का विवरण दिया है, इसके क्या हो जाएगा, 15 का घर लगभग 5000। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, प्रश्न नंबर 16 देखें तो इसका हो जाएगा 1913। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पादरी एडिसन ग्रीव्स, पादरी एडिसन ग्रीव्स। अठारह नंबर का क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठ भाग रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया, किसने किया, इसका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नागरी प्रचारी सभा काशी। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, तो क्या हो जाएगा 1934। गारसा दत्तासी द्वारा लिखित साहित्य लिखित इतिहास ग्रंथ है, गारसा दत्तासी द्वारा, तो क्या हो जाएगा, इस्तवार दलाल लेते हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लेखक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, इसका क्या हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी में ही वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए, हिंदी भाषा का विकास, ये उनका नहीं है। गारसा दत्तासी के इस्तवार दलाल लेते हुए हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया, तो क्या हो जाएगा, किसने किया, 25 का ग आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो क्या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, युगीन चेतना का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, तो इसका क्या हो जाएगा, युग चेतना का सिद्धांत, युग चेतना का सिद्धांत। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है, 28वां देखिए, साहित्य के अंतर्गत सबसे विवादास्पद काम क्या है, तो क्या है इसका, साहित्य के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद क्या क्या है, काल निर्धारण व नामकरण करना, ग काल निर्धारण व नामकरण करना। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किस अंग का है, युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, जिसका क्या हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का वीरगाथा काल की अवधि का समय माना है, कब से कब तक माना है,
1050 से 1375। ख, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? किस नाम से हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास, आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास कब प्रकाशित हुआ? सन 1929 ईस्वी में, विक्रमी में नहीं, देखे दो दे दिया, 1929 ईस्वी या विक्रमी संवत 1929 ईस्वी में हुआ था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य मतलब भक्तिकालीन साहित्य का बारे आना वैसा ही होता जैसा आ जाए। यह पंक्ति किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी, तो किसकी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप देखेंगे तो यह किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। संपूर्ण मध्यकालीन की विभिन्न धाराओं पवित्रियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। कौन से हैं इसमें विद्वान हैं? क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसका ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पर है, तो इसका हो जाएगा क्या? विधेयवादी पद्धति। शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किसके अनुसार है? विधेयवादी। ये लेखन की पद्धति होती है वर्ण क्रम अनुसार, अन्य पद्धति भी होती है, उसमें एक है विधेयवादी जो सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है। तज़किरा ईशुरा हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस रचनाकार कौन है इसका? मौलवी करमुद्दीन, मौलवी करमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? 38 का रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? जिसका क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किसका है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह बच्चन सिंह का है, किसका है? बच्चन सिंह।